करूंगा कि जिंदगी खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, कि खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। और हम भी इस कार्यक्रम में चार चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। दोस्तों, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी तो मेरे आदरणीय शिक्षक गणों, माननीय भाई बंधुओं और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वार्षिक समारोह की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां। मेरा नाम कांतिलाल है। आज मैं आपके सामने ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूँ, हम लोगों में से कई लोगों की जिंदगी के रोजमर्रा के कुछ भाग बन चुके हैं और हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग इस विषय से सीधा सीधा नहीं जुड़े हो। तो दोस्तों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नशा के बारे में, शराब के नशे के बारे में सुन के क्या लगता है? आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है, कोई बता सकता है? बताइए दोस्तों, आपके दिमाग में कोई ख्याल आता है? तो ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी बीमारी है हमारे इस गांव में, शराब के नशे की। दोस्तों मैं ही बता देता हूं, जैसे बुरी आदतें, होश में नहीं रहना और गांवों में आसपास के कई सारे लोगों की परेशानी के कारण बनना। अभी कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों, मैं छुट्टी के दिन सुबह सुबह घर से निकला और जा रहा था बाल कटवाने। रास्ते में मुझे एक चाचा जी मिले और उनको मैंने राम राम की और उसके बाद में मैंने जाना कि चाचा जी शराब पीने जा रहे थे। तो मैंने उनसे कारण पूछा, वजह पूछी, तो उन्होंने बताया कि बेटा आज मुझे टेंशन है, चिंता है, इसलिए मैं शराब पीने जा रहा हूँ उस टेंशन की वजह से। तो दोस्तों अब टेंशन की बात आती है, ऐसा नहीं कि हम सभी लोग हैं।